नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते काफ़ी कैंडिडेट मैं तो इंस्टाग्राम से सवाल पूछ रहे हैं कि सर जी फाइनल मैरिट लिस्ट है कॉन्स्टेबल दी वह कदों रिलीज़ की जाएगी। एंड बहुत सारे बच्चों का काफ़ी चंगा एग्जाम होया तो उन्होंने 100% यकीन है कि सानू फिजिकल टेस्ट लिए बुलाया जाएगा। हुण उन्हां बच्चों के माइंड में एक सवाल है कि सर जे सानू फिजिकल टेस्ट लिए बुलाया जाता है तो की प्रोसीजर होगा, की कुछ सानू लैके जाना पड़ेगा, की फॉर्मेलिटी सानू पूरी करनी पैणगी। तो इस सवाल बारे इस नोटिफिकेशन में जो तुम्हें ब्रीफली पढ़िया होगा तो तुम्हें पूरा समझ आ गया होगा, जो नहीं समझ आता तो मैं हूँ इस वीडियो थ्रू समझा दिना। एंड रही गल फाइनल मैरिट लिस्ट की, वैसे तो न्यूज़ आ रही थी कि अक्टूबर के लास्ट तक रिलीज़ हो जाएगी, बट डिले हो सकती है नेक्स्ट मंथ तक, आई होप यह आ सकती है। हम इस नोटिफिकेशन की गल करिए, जे तुहाडी फाइनल मैरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो तुहाडे वास्ते एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिस विच उह तुहानू सद्दा पत्र होगा कि फिजिकल टेस्ट लई तुहानू बुलाया जाएगा। वह तुहानू इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट उपर डाउनलोड करने पैणगे। इस तो बाद जो भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की डेट होगी उस डेट में तुम्हें जाना पड़ेगा। सब तो पहला तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगी, इस तो बाद तुहाडा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, तुहाडी हाइट चेक की जाएगी कि तुसी एलिजिबल हो या नहीं, इस तो बाद तुहाडा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में तुसी केड़े केड़े डॉक्यूमेंट नाल लेके जाने हो, इतने इन्होंने ही मैनशन किया हो, 10वीं का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना एज इज प्रूफ, तो 12th का सर्टिफिकेट लेके जाना ओरिजिनल, इस तो अलावा 10वीं विच जे तुसी पंजाबी पास की है उसका प्रूफ लेके जाना। नॉर्मली यह 10वीं के सर्टिफिकेट विच ही इनकलूड हुंदा अपना पंजाबी सब्जेक्ट, तो उतों ही यह क्लीयर हो जाएगा तुहाडा। इस तो बाद कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना, याद रखो दोस्तों ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुसी नाल लेके जाने ने। जे कोई चेंजस करवाने वाले ने, मतलब कि नाम नूम कुछ मिलता नहीं है तो वह हुण तो ही चेंज करवा लो। उस कई बार नाम सेम नहीं हुंदा डॉक्यूमेंट में, माता पिता का सेम नहीं हुंदा, जा आधार कार्ड में कुछ होर नाम लिखा हुंदा, सिंह कुमार कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, जिस करके जो बच्चा सिलेक्टिव होने वाला हुंदा है उसका भी सिलेक्शन रुक जाता है। एंड इस तो बाद जो कोई एक्स सर्विसमैन फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिए जा रहा है तो उस को होना चाहिए, जिड़े भी डिपार्टमेंट में उसने जॉब की, जो भी वर्क किया उस डिपार्टमेंट वालों NOC फॉर्म फिल किया हो, उन्होंने नाल लेके जाना है तो उत्थे शो करना है। चलो हूँ तुम ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नाल लै गए, तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी होगी। इस तो बाद नाल दी नाल की होगा, थोड़ा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा, थोड़ी हाइट चेक की जाएगी, जो भी एलिजिबिलिटी इन्होंने दसी है कॉन्स्टेबल की पोस्ट वास्ते, जो तुम उस हाइट के बराबर हो मतलब कि एलिजिबल हो तो किसी प्रोसैस लिए बुलाया जाएगा, तो फिर थोड़ा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिस विच मेल कैंडीडेटा 1600 मीटर रेस क्ढनी होगी, तो लॉन्ग जंप जी 3.8 मीटर की होगी, तो हाई जंप जी 1.10 मीटर की होगी। याद रखो तीन तीन चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप से हाई जंप के, रेस का सिर्फ एक चांस ही मिलेगा। इस तरह फीमेल कैंडीडेट की गल करिए 800 मीटर रेस है 4 मिनट 30 सेकेंड इन्हों क्ढनी होगी, तो लॉन्ग जंप 3 मीटर है एंड हाई जंप है जी 0.95 मीटर है, तो इस भी तीन तीन चांस फीमेल कैंडीडेटा मिलेंगे। दोस्तों एक गल होर, एक बच्चा मैं तो पूछ रहा है कि सर जदों असी जावे साडा ब्लड टेस्ट या कोई डोप टेस्ट फिटनेस टेस्ट दौरान लिया जाएगा, नोट नंबर 3 में इस बारे लिखा हुआ है कि लिया जा सकता है, मतलब श्योर नहीं है शायद ना भी लिया जाए, बट जो उन्होंने शक होंगे कि इसने कुछ बैटर परफॉर्मेंस देने वास्ते कुछ खाया पिया होया तो वह ब्लड टेस्ट लै सकते हैं, यूरिन टेस्ट चैक कर सकते हैं, जो कुछ निकल जाता तो तुम उसी टाइम डिसक्वालीफाई कर दिते जाओगे। सो जो भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की डेट आँदी है तो परहेज रखियो, कोई भी टैबलेट ना लियो, चाहे थोड़ा सिर दुखद चाहे थोड़ा बुखार है, क्योंकि यह सारी टैबलेट जो उत्थे टेस्ट होने लग जाता ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट उस विच आ जाता है, तो छोटी जी गलती करके थोड़ा सिलेक्शन होने तो रुक सकता है। तो यह सारे मेन पॉइंट से, जो भी थोड़ा फिटनेस टेस्ट लिए कॉल आता है तो यह पॉइंट तुम जरूर याद रखियो। एंड जो कोई होर सवाल है तो वीडियो में कमेंट करके मैं दस दौ, नैक्सट वीडियो मैं थोड़े सवाल के रिगार्डिंग जरूर तुम्हें प्रोवाइड करवा देंगे।